नमस्कार दोस्तों, मैं धर्वेन वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यहां पर हिंदी पेडागोजी से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। टोटल यहां पर आपको 600 प्रश्न मिलने वाले हैं। यहां पर देखिये, जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड, दोनों के प्रश्न यहां पर लाने वाले हैं वन बाय वन करके। तो हर वीडियो में आपको यहां पर 50 प्रश्न मिलेंगे। जब तक आपके 600 प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाते फर्स्ट और सेकंड के, तब तक हम ये वीडियो बनाते रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी पेडागोजी के 50 प्रश्न मिलेंगे, जो कि सीटेट ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और भी हमने वीडियोस बनाए, जैसे कि बाल विकास हुआ, पर्यावरण हुआ, गणित पेडागोजी हुआ, इन सभी के हमने प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिए हैं। और भी जो बचे हैं वो एक एक करके कर रहे हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो। शुरुआत करते हैं हिंदी पेडागोजी का। आज का पहला प्रश्न है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना विद्यार्थियों में समालोचन चिंतन योग्यता का विकास करता है, क्या करता है? यहां पर यह बताना है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में जो पहेलियां होती है, वर्ग पहेलियां होती है, इसको शामिल करना क्या करता है, क्यों की जाती है? विद्यार्थियों में प्रभावपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है ये, उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्य पुस्तक को समझने में सहायता करता है, या फिर कक्षा कक्षा का परिवेश जीवंत एवं मित्रवत बनाता है। तो यहां पर देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में जो पहेलिया और वर्ग पहेलिया को शामिल करना है तो क्यों है? तो क्योंकि ये विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है, इसलिए पहेलिया और वर्ग पहेलियों को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहां पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, ये आपकी ईवीएस जो पेडागोजी, पर्यावरण पेडागोजी, उसमें भी पूछा गया है दृष्टिबाधित से संबंधित। तो आपके हिंदी पेडागोजी में पूछा गया है, आप मैथ्स पेडागोजी में देखेंगे तो उसमें भी पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न हर सब्जेक्ट में पूछे जा रहे, तो ध्यान से इन प्रश्नों को करिएगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के बारे में पूछा गया है, उस बालक के साथ आप सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे, बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे, नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे, या फिर उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे, क्या करेंगे आप एक शिक्षक के रूप में, ये आपको बताना है। तो देखिए, यदि कक्षा में आपके दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के रूप में उस बालक के साथ सामान्य आप व्यवहार करेंगे, सहानुभूति भरा व्यवहार वहां करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सामान्य व्यवहार करना है, साथ में उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता प्रदान करनी है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? यहां पर देखिए, किसी एक पर ध्यान देना चाहिए, किस पर ध्यान देना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, शिक्षार्थी के आकलन के दौरान पूछा गया है, आपको बताना है कि एक भाषा शिक्षक का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या, किस पर ध्यान देना चाहिए? औपचारिक सामरिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उसके माता पिता के साथ साझा करना, या फिर भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दल कार्य देना, यहां पर आपको क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक का जो मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए वो होगा आपका शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना, साथ में उसे शिक्षार्थियां एवं उसके माता पिता के साथ उसके बारे में साझा करना, बातों को साझा करना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर देखिये, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, यहां पर बताना है कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही कथन नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा? यहां एक ऐसा सृजनात्मकता एवं कलात्मक अधिगम प्रदान करती है जिसमें से अधिक प्रतिक्रिया देते हैं, यहां एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त कल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप से दर्शाई जाती है, यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भित प्रदान करता है, या फिर यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठ्यक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त करती है, कौन सा उपयोग? यहां पर देखिए, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा कि यह पाठ्यक्रम की पुस्तक से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। तो ये जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये आपका सही नहीं होगा। चलिए
अगला प्रश्न है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते ही एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है, किस प्रकार से सहायता करेगा? अन्य भाषाओं एवं अन्य विषयों को आसानी से सीखने में सहायता करेगा, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, या फिर अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उसे भाषाओं की लिपि सीखने में। यहां पर आपको बताना है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं तो ये जो अधिक भाषाओं का ज्ञान है बच्चों को किस प्रकार से सहायता करती है, इसके बारे में आपको बताना है। चाहे तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से और बता सकते हैं कि इन 50 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, आप यहां पर अपना आकलन भी कर सकते हैं। यहां पर आपका सही आंसर होगा कि ये अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में मदद करती है। यदि किसी बच्चे को एक से अधिक भाषा का यदि वो ज्ञान के साथ विद्यालय में आता है तो उसे क्या होगा, अन्य भाषाओं एवं उन विषयों को आसानी से सीखने में उसको मदद मिलेगी या फिर सहायता प्रदान होगी। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सॉरी, अगला प्रश्न है आपका, कक्षा तीन के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय कक्षा तीन के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चे लापरवाह है इसलिए ये त्रुटियां करते हैं। देखिए कक्षा तीन की बात हो रही है, बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही इसलिए, तो दोनों विकल्प तो आपको गलत होंगे। बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम के संकेतक है, या फिर एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियां पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वे त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती। तो फोर्थ वाला विकल्प देखेंगे तो ये भी आपका गलत होगा। सही कौन सा होगा आपका यहां पर, तीसरा वाला विकल्प कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है, कक्षा तीन में है तो बच्चे त्रुटियां करते ही ये स्वाभाविक है, उन्हें अधिगम के संकेतक देंगे, उनको हम सिखाएंगे, तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, ये आपको बताना। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है कि बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया सीखते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएंगे कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं किए बिना कार्य करें, ऐसी पाठ योजना बनाएंगे जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करेंगे, या फिर जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएंगे ताकि ये साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके, क्या करेंगे? यदि आपने चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ा होगा तो यहां पर बच्चे साथियों की बात की जा रही है कि बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं तो उसको क्या करेंगे, समूह कार्य के लिए जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएंगे ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? देखिए भाषा शिक्षक के द्वारा कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए ये पूछा गया है। धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में करना चाहिए, कक्षा हेतु कुछ कठोर नियमन तथा सुनिश्चित करना कि उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए, यहां सुनिश्चित करना कि उनकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उसे स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा हो चाहे वे किसी भी भाषा का हो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, या फिर यहां सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित लिखा हुआ है, यहां पर सुविधा वंचित भूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना है। यहां पर देखिए भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाए जाने वाला तरीका पूछा गया है, तो तरीका क्या होगा, क्या सुनिश्चित करना कि उनकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, ये चाहे वह किसी भी भाषा का हो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं, बहुभाषी लिखा हुआ है यहां पर, बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त बहुभाषी कक्षा, यानी कि एक से ज्यादा भाषा के बारे में यहां पर कहा जा रहा है। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है, बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आपको प्राथमिक स्तर पर बताना है, प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है ये आपको बताना है। शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजर अंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए,
घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए ना कि विद्यालय में। भाषा में एकल भाषी विद्यालय होनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। शिक्षक शिक्षार्थी को उनके स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे ताकि उनके विचार को सम्मान दे। यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा कि शिक्षक यदि एक शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए एक शिक्षक के रूप में, साथ में उनके विचारों को भी आपको सम्मान देना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि क्यों किया जा सके। जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। इससे शिक्षक का कार्य कम होगा क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। यहां उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। यहां पर देखिए भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि क्यों किया जा सके। राइट आंसर आपका होगा, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं उससे सीखते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह रिक्त स्थान का लक्षण हो सकता है। देखिए भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई, यहाँ पर देखिए हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था आपके लिए, अधिगम अक्षमता या विकार, ये वीडियो हमने आपको दिया था बाल विकास में, जिसमें 2021 में जो ऑनलाइन आपकी एग्जाम हुई थी 16 दिसंबर से तो 13 जनवरी तक, उसमें जो पूछे गए सारे प्रश्न अधिगम अक्षमता या विकार के, उसमें सारे प्रश्न को रखा गया है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, लगभग उसमें 15 से 20 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि पूछे गए हैं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। साथ में यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमने एक कहानी के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास किया है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो यहां पर पूछा गया भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है तो कौन सा लक्षण होगा, कौन सी अक्षमता होगी, गणना में अक्षमता जो कि डिसकैल्कुलिया होती, लिखने में अक्षमता जो कि डिसग्राफिया होती है, प्रयोग या अभ्यास करने की क्षमता डिस्प्रेक्सिया होती है, पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया होती है, तो यहां पर कौन सी अक्षमता या फिर लक्षण से वो ग्रसित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, देखिए यहां पर पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है तो पढ़ने की अक्षमता होती है जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं। यहां पर विकल्प में दे जरूर दिया है, लेकिन यहां पर इस प्रकार के विकल्प नहीं देते हैं, इसमें दे दिया है डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसग्राफिया या फिर डिसकैल्कुलिया, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर डिसलेक्सिया आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ने में अक्षमता वाले विकार होता है डिसलेक्सिया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि आकलन करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आकलन प्रत्येक सत्र के दौरान अंत में करना चाहिए। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजन करनी चाहिए। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशन होना चाहिए, फिर आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। यहां पर आपको प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए, ना कि आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में होना चाहिए, ना ही आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए और ना ही आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। क्या होना चाहिए, आकलन विद्यालय आधारित होना चाहिए तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणित सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। पाठ्य पुस्तक को, कार्य पुस्तिका को, समाचार पत्र को या फिर पूरक पुस्तिका को। यहां पर देखिए आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप किसको करते हैं। राइट आंसर आपका होगा यहां पर पाठ्य पुस्तक को। किसे, पाठ्य पुस्तक को, प्रमाणिक सामग्री पूछी गई है और पाठ्य पुस्तक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे कि अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों को इस फोल्डर को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिसमें ड्राइंग रखी जाती, कविता, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्रियां, स्वयं की रिपोर्ट लिखना, उपाख्यात्मक दस्तावेज जिसे एडवर्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं, पोर्टफोलियो या फिर अवलोकन एवं संकलन। मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको आंसर बताने की आवश्यकता होगी, सभी को पता होगा इसका, पोर्टफोलियो। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को क्या कहा जाता है, सॉरी फोल्डर को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए
अगला प्रश्न है आपका, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, आप विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा का सिद्धांत से मेल खाता है। ये जो दिया गया है कि आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ जन्म लेता है, ये निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है। अनुकूलन से, सहज ज्ञानवाद से, भाषा अर्जन उपकरण से, या फिर पुनर्बलन से, किससे मेल खाता है ये आपको बताना है। सॉरी, राइट आंसर आपका होगा ये सहज ज्ञानवाद से मेल खाता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, तो ये जो धारणा है या फिर जो सिद्धांत है, ये सहज ज्ञानवाद सिद्धांत से मेल खाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए सॉरी, अगला प्रश्न है आपका, बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यता माना जाता है। क्या माना जाता है? भाषा अर्जन, भाषा सीखना, भाषा का आत्मसातकरण, या फिर अमूर्त भाषा का विकास। बच्चे में जो मातृभाषा के विकास को सामान्यता क्या माना जाता है यह पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा क्या माना जाता है, तो ये भाषा अर्जन माना जाता है। क्या माना जाता है? भाषा अर्जन। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियां है क्या है? नैतिकता के लिए है, भाषा सीखने हेतु निवेश है, दोहराव तथा पुनरुत्पादन है, या फिर अपने समाज के बारे में सीखना है। भाषा सीखने में जो आरंभिक वर्षों में कहानियां है ये क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर होगा ये भाषा सीखने हेतु निवेश होता है। भाषा सीखने में जो आरंभिक वर्षों में जो कहानियां सुनाई जाती है वो भाषा सीखने हेतु निवेश होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, जुहा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है, और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती हैं, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहती है, अंत में शिक्षार्थियों द्वारा ध्यान आकर्षित करती हैं तथा कहती हैं कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये शब्द? विशेषण कहलाते हैं। यहाँ रणनीति क्या कहलाती है? यदि इस प्रकार की रणनीति एक शिक्षिका बना रही कक्षा 5 में, तो वो क्या कहलाएगी ये आपको बताना है। व्याकरण शिक्षण रणनीति कहलाएगी, सचेतना में वृद्धि कहलाएगी, विशेषण शिक्षण कहलाएगी, या फिर विषय वस्तु आधारित व्याकरण कहलाएगी, क्या कहलाएगी? राइट आंसर आपका होगा यहाँ जो रणनीति है ये सचेतना में वृद्धि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सचेतना में वृद्धि। सेकंड वाला विकल्प भी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है? देखिए, दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती कौन सी विधि मानती है? व्याकरण अनुवाद विधि, समूह भाषा शिक्षण, संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण, या फिर श्रव्य भाषावाद, कौन सी विधि मानी जाती है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर श्रव्य भाषावाद। जो श्रव्य भाषावाद है ये विधि है, ये दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका बहुभाषिकता है। क्या है बहुभाषिकता? जिनका संभव हो उतनी भाषा सीखना, जितना संभव हो उतनी भाषा सीखना, केवल मातृभाषा, घर की भाषा सीखना, मातृभाषा या फिर घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ना की ओर बढ़ना, मातृभाषा के आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना तथा हाई स्कूल में अन्य भाषा जोड़ना, बहुभाषिकता के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा मातृभाषा या फिर घर की भाषा के आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना, यह बहुभाषिकता कहलाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की रिक्त स्थान है क्या है? राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, सहराज भाषा, या फिर शास्त्रीय भाषा है? देखिए, इंपोर्टेंट है, सरल भी है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। राइट आंसर आपका होगा क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। अभी तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? सेकंड वाला होगा, हिंदी भारत की क्या है? एक राजभाषा है। शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए, एक प्रश्न थोड़ी देर पहले पूछा गया था कक्षा 3 के बारे में। यदि कक्षा 3 के जो बच्चा है वो इस प्रकार से त्रुटियां करता है लिखने पढ़ने में, तो आप क्या करेंगे? शिक्षक के रूप में आपसे पूछा गया था, और वही प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया, सीधे सीधे यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को क्या समझा जाना चाहिए? उनके सीखने में बाधा, सीखने के लिए संकेत, भाषा सीखने में समस्या, या फिर त्रुटि सुधार के लिए संकेत। यदि कोई विद्यार्थी है वो यदि लिखने पढ़ने में त्रुटियां कर रहा है, तो क्या संकेत होगा आपका?
तो वो होगा सीखने के लिए संकेत, सॉरी क्या समझा जाना चाहिए आपके द्वारा, तो सीखने के लिए संकेत, वो सीखना चाहता है, तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, यह उपागम कहलाती है, क्या कहलाती है, लिखने का उत्पाद उपागम, राजकीय लेखन, अध्ययन कौशल या फिर लिखने का प्रक्रिया उपागम। यहां पर आपका 23 का आएगा लिखने का प्रक्रिया उपागम, शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरता है, तो यहां उपागम क्या कहलाता है, लिखने की प्रक्रिया उपागम कहलाता है, क्योंकि यहां पर देखिए अच्छे लेख के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न है, अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी उप पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है, स्क्रिबलिंग कहलाती है, प्रारंभिक साक्षरता कहलाती है, लेखन कौशल या फिर ग्राफिक विकास कहलाता है, क्या कहलाता है। तो सरल सा प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में पूछा गया, बच्चों के द्वारा पूछा गया, दीवार, फर्श और कॉपी उत्तर पुस्तिका में आपने देखा होगा जो बच्चे हो वो किसी भी प्रकार की आड़ी तिरछी लाइन खींच देते हैं, तो इस प्रकार की जो भाषा में यहाँ जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, तो प्रारंभिक साक्षरता कहलाती है, वो वहां पर सीखता, प्रारंभिक साक्षरता के रूप में आप यहां पर दर्शा सकते हैं उसको, तो सेकंड वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है, देखिए सीखने का आकलन पूछा गया है, लिखित परीक्षा है, अवधि के अंत में परीक्षा है, रचनात्मक आकलन है या फिर संकलात्मक आकलन है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा रचनात्मक आकलन, सीखने का आकलन पूछा गया है तो रचनात्मक आकलन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक, अच्छी पाठिका है, तो वहां दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है, या फिर कह सकते हैं जब वहां दूसरी अन्य भाषा सीखता है, इसे जाना जाता है पठन क्षमता, पढ़ने की रणनीति, कौशल का अंतरण या फिर उच्च स्तरीय कौशल, क्या जाना जाता है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए यहां पर यदि एक बालक है किसी एक भाषा का अच्छा पाठक या फिर पाठिका, यानी कि अच्छी बालक है या फिर बालिका है, तो वहां दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है, तो आपको बताना है कि इसे किस प्रकार से जाना जा सकता है, जब वहां दूसरी अन्य भाषा सीखता है, तो उसे आप कह सकते हैं कौशल का अंतरण, क्या कहेंगे आप उसको, कौशल का अंतरण, तीसरा वाला विकल्प आपका यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल है, सीखने के प्रतिफल क्या है, वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थियों द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए, भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो भाषा पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में वर्णित है, अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशल पर आधारित वे प्रक्रिया है जिनके द्वारा शिक्षार्थी के प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है, सीखने में प्रतिफल क्या है, यह आपको बताना है। सही आंसर आपका होगा वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। राइट आंसर आपका यहां पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य, देखिए दो उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य पूछे गए हैं और कूट में आपको आंसर देना होगा। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थी के सीखने को बेहतर करने के लिए होता है, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों को सॉरी शिक्षकों को शिक्षण में बदलाव करने के लिए होता है, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थियों को समझने के लिए होता है, या फिर उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए है कि वे जाने कि कुछ शिक्षार्थियों को सुधार की आवश्यकता क्यों है। कूट में आपको दो उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य बताने हैं कौन से सही होंगे। यहां पर आपका सही आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए होते हैं, साथ में उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए भी होते हैं। तो ए और बी आपके दोनों सही होंगे, तो यहां पर पहला वाला जो विकल्प होगा यह आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूह में बांट दिया जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं। देखिए अपनी कक्षा को 5 समूह में बांटा, 5 समूह में, और कितने शिक्षार्थी एक समूह में, 5 ही है, तो उनके घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा उनको। प्रत्येक समूह ने इन से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूह के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यहां शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई थी। इस प्रकार से यदि एक शिक्षिका कर रही है, अध्यापिका कर रही है, तो शब्द तथा व्याख्यान से थीम आधारित शब्दावली है, शब्दों का वर्गीकरण या फिर नियामक शब्दावली क्या है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा
थीम आधारित शब्दावली। यदि एक अध्यापिका है, वो अपनी कक्षा को 5 समूह में बांट दिया है, उनके प्रत्येक सदस्य कितने हैं? 5 शिक्षार्थी तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहती है, तो प्रत्येक समूह ने इससे 15 शब्द ढूंढ लिए हैं तथा अन्य समूह के साथ वो साझा कर रही है, तो अध्यापिका ने यह शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई है? तो थीम आधारित शब्दावली अपनाई है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। क्या है? सीखना व्यक्तिगत विशेषता है, सभी शिक्षार्थी भाषाएं नहीं सीख सकते हैं, सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना, या फिर सीखना सामाजिक निर्मित है। यहां पर देखे, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास क्या है कि जो सीखना है वो क्या है? सामाजिक निर्मित है। यहां पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होते हैं, या फिर जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होते हैं। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, किन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं? राइट आंसर आपका होगा, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होते हैं, ये सभी बच्चे इस प्रकार की गतिविधि द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी में, यहां पर द्वितीय भाषा लिखा, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी में, विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, या फिर शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। देखिये, प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया, किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए आप किस प्रकार उसे अनुदेशन देंगे? राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सीधी सी बात है, बच्चों की घर की भाषा या फिर मातृभाषा में, प्राथमिक स्तर पर आप इसी भाषा का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं, बच्चों की घर की भाषा या फिर मातृभाषा में। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, यहां पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं, उच्चारण का अभ्यास करते हैं, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, यहाँ पे शब्द संपदा बढ़ाते हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर कविता, गीत एवं मंत्र के तरीके से क्या होता है, जिनमें के बच्चे विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, ये सही विकल्प नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों का आकलन करता है, करती क्यों करता है शिक्षक बच्चों का आकलन, ये पूछा गया है। यहां ज्ञात करने के लिए कक्षा में कौन भाषा में का श्रेष्ठतम उपयोग करता है, इसलिए करता है आकलन। यहां पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहां कमी आ रही है, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए, या फिर बच्चे की उनके सहपाठी की तुलना करने के लिए। आकलन क्यों किया जाता है बच्चों का, इसके बारे में पूछा गया है, क्यों करता है शिक्षक? तो इसलिए करता है बच्चों का आकलन कि बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बना सके, योजना बनाने के लिए आकलन किया जाता है, शिक्षक बच्चों का इसलिए करता है। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता, या फिर दक्षता स्तर। यहां पर देखिए, द्विभाषी बच्चे यानी कि वो बच्चा दो भाषा जानता है, तो इसके बारे में पूछा गया है कि यदि वो दो भाषा जानने वाला बच्चा है तो किसी से वो बात करता है तो समय, उस समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का वो प्रयोग करता है, दोनों भाषाओं का प्रयोग वो नहीं करता है, तो यहां पर क्या कहलाता है? राइट आंसर आपको बताना है। तो वो क्या कहता है? संकेत बदलना कहलाता है। क्या कहलाता है? संकेत बदलना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चे अपने लिखने की जो शुरुआत है वो किससे करते हैं, जो यात्रा है वो किससे करते हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, तो ये जो चिन्ह बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। चित्रकारी कहलाता है, किरम काटे कहलाता है, लिखना या फिर स्वयं की वर्तनी। तो यहां पर देखिए, बच्चे अपने लिखने की शुरुआत यात्रा जो आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं उस चिन्ह को, उसको किरम काटे कहते हैं। क्या कहते हैं? किरम काटे या फिर स्क्रिबलिंग कहते हैं। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? अलमारी में कपड़ों को फैलाना, कुछ छलका देना, तितलियां उड़ाना या तितलियां उठाना, या फिर धागे में मनके पिरोना। यहां पर उड़ाना लिखा होगा शायद,
तो यहां पर देखिए पूछा गया है कि एक कौशल आपको बताना जो बच्चों को उनके हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा। कौन सा करेगा? तो वो करेगा धागे में मन के पिरोना। देखिए धागे में मन के पिरोना ये जो कौशल है ये बच्चों को उनके हस्तलेखन विकसित करने में उसकी सहायता करेगा। यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? यहां पर देखिए कौन सा भाषा के पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कथन कौन सा है वो आपसे यहां पर पूछा गया है। चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में मदद करती है। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। बच्चों के दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं यहाँ पर चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, चित्रों के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में मदद करते हैं, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम को आनंद लेने तथा उनमें रिक्त स्थान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है? कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध, भाषा के रूपों को, जीवन कौशलों को या फिर गत्यात्मक कौशल। राइट आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर होगा आपका कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम या आनंद सॉरी अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसकी? साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वहां भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य, यहां कथन किसका है? यहां पर देखिए जो कथन दिया गया, कथन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमने कथनों पर भी वीडियो बनाई है तो उनको देख लीजिएगा। यहां पर जो कथन पूछा गया है ये किसका है? स्किनर का है, चॉम्स्की का है, वाइगोत्स्की का है या फिर जिन प्याजे का है? राइट आंसर होगा यहां पर जो कथन दिया गया है ये नॉम चॉम्स्की द्वारा दिया गया है कि बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वहां भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। तो यहां जो दी गई परिभाषा या फिर दी गया जो कथन है नॉम चॉम्स्की द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न आपका, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यहां पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में पूछा गया है। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने का अवसर देना या फिर नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। राइट आंसर आपका क्या होगा यहां पर? नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके सीखना। यहां पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था तो ये जो प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में सही कथन नहीं होगा, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रभावता, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान अर्थापन करना एवं भाषा की समझ या फिर शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। यहां पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए ये पूछा गया है, किस पर होनी चाहिए? राइट आंसर आपका यहां पर होगा ये अर्थापन करना एवं भाषा की समझ पर होना चाहिए, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी जिसे प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना है क्या कहलाता है? आईटी कहलाता है, आईटीसी कहलाता है, सूचनात्मक प्रौद्योगिकी कहलाता है या फिर संप्रेषण प्रौद्योगिकी कहलाता है, क्या कहलाता है इसके बारे में आपको बताना है। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ये आईटीसी कहलाता है, क्या कहलाता है? आईटीसी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईटीसी कहलाता है ना, आईटीसी का फुल फॉर्म होता है हिंदी में। राइट आंसर आपका क्या होगा यहां पर? दूसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्क्रोलिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। देखिए स्क्रोलिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं, जांच सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची या फिर क्रम निर्धारण मापनी। यहां पर विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्क्रोलिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं?
तो इसे क्या कहेंगे, रूब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूब्रिक्स। जो रूब्रिक्स है एक प्रकार का आकलन उपकरण होता है जो स्पष्ट रूप से लिखने से मौखिक तक किसी भी प्रकार के छात्रों के सभी घटकों में उपलब्धि मापदंडों को इंगित करता है। इसका जो उपयोग है वो असाइनमेंट बनाने में किया जाता है, क्लास भागीदारी या फिर समग्र ग्रेड को चिन्हित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्क्रोलिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं, तो किसको कहते हैं, वो रूब्रिक्स को कहते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है। व्याकरण अनुवाद विधि किस पर अधिक बल देती है? शुद्धता पर, प्रभाव पर, उपयुक्तता पर या फिर उच्चारण पर? राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा शुद्धता पर। याद रखिएगा, जो व्याकरण अनुवाद विधि है यह शुद्धता पर अधिक बल देती है। साथ में आप ध्यान दीजिएगा कि जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसको शास्त्री विधि, साथ में पारंपरिक विधि, साथ में भंडारकर, फिर से लिख देता हूं, भंडारकर विधि, इन तीनों के नाम से इसे व्याकरण अनुवाद विधि को जाना जाता है। याद रखिएगा, इसे भंडारकर विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विधि के संदर्भ में जो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने दो पुस्तक लिखी थी। कितनी पुस्तक लिखी थी? दो पुस्तक लिखी थी, इसलिए इसका नाम भंडारकर विधि भी कहा जाता है इसको। और इस विधि में शुद्ध पर अधिक बल दिया जाता है और इस विधि में लेखन कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। लेखन कौशल को भी शुद्धता पर भी दिया जाता है और लेखन कौशल पर भी। किस पर? लेखन कौशल पर। और यहां भाषा शिक्षण में मातृभाषा में प्रयोग पर बल देती है। किस पर? मातृभाषा पर। और यहां विधि व्याकरण शिक्षण के निगमनात्मक विधि का प्रयोग करती है। किस पर प्रयोग करेगी ये? निगमनात्मक विधि पर। याद रखिएगा, यहां विधि व्याकरण शिक्षण के निगमनात्मक विधि का प्रयोग करती है। तो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहां पर शुद्धता, यहां पर आपका सही आंसर होगा। लेखन कौशल होता तो भी आपका सही आंसर होता। लेखन कौशल यहां पर नहीं दिया हुआ है तो शुद्धता आपका सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न, एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थी को निर्देश देता है और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, अभ्यास किस उपागम का प्रयोग कर रहा है? देखो, एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थी को निर्देश देता है, तो जो शिक्षार्थी है वो जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रहा है? यहां पर आपको यह बताना है, सृजनात्मक उपागम का, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम का, उदारवादी उपागम का, उदारवादी लिखा हुआ उदारवादी उपागम का या फिर रचनावाद उपागम का। राइट आंसर होगा आपका यहां पर वो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम का प्रयोग वहां पर कर रहा है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए? किनके साथ की जानी चाहिए? छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, औपचारिक कक्षाओं में सिर्फ बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, या फिर छोटी कक्षाओं के उन विद्यार्थियों के साथ जो अपना कार्य कक्षा कार्य पूरा नहीं करते हैं। यहां पर सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए यह पूछा गया है। राइट आंसर होगा आपका छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से इनके साथ की जानी चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती हैं। लेखन संबंधी यह गतिविधि रिक्त स्थान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? निर्देशित रचना का है, मुक्त रचना का है, नियंत्रित रचना का या फिर रचना पूर्व का है? किसका है? राइट आंसर आपका होगा यह मुक्त रचना का। याद रखेगा, सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती हैं, तो लेखन संबंधित जो यहां गतिविधि है यह मुक्त रचना का उदाहरण है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। सुश्री आशा अपनी कक्षा में नहीं, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही है। वहां विद्यार्थियों को एक वाक्य देती है और विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि इसका नहीं वाला वाक्य बनाए। सुश्री आशा अपनी कक्षा में दोहराव वाली ड्रिल करवा रही है। क्या करवा रही सुश्री आशा, ये पूछा गया है। रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है, पूरा करने की ड्रिल करवा रही है, या फिर प्रतिस्थापन या फिर के स्थान पर वाली ड्रिल करवा रही है? किस प्रकार की ड्रिल करवा रही है ये पूछा गया है। तो यहां पर जो सुश्री आशा है वो अपनी कक्षा में रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य लिखा हुआ है ना, दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसके बाद वहां इस श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही गलत से जुड़ी गतिविधि कार्य पत्रक जैसे वर्कशीट पर करवाते हैं। जैसे कि ऐसा करके श्री अली अपने विद्यार्थी में रिक्त स्थान कौशल कर रहा है।
पठन का, श्रवण का, वाचन का या फिर लेखन का। तो देखिए यहाँ पर श्रवण रिकॉर्डिंग है, तो जाहिर सी बात है वो श्रवण कौशल कर रही है या फिर कर रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर सेकंड वाला होगा। जैसा कि हमने बताया था टोटल आपको 600 प्रश्न मिलेंगे, यहाँ पर हर पार्ट में आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, 50 प्रश्न मिलेंगे हर पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट है, 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला पार्ट आपको जल्दी मिलने वाला है जो कि सेकंड पार्ट होगा, उसके बाद वाले आपको जैसे एग्जाम होगी उससे पहले सारे कवर करवा दिए जाएंगे 600 प्रश्न। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, जल्दी इस वीडियो को समाप्त कर दिया है, ज्यादा समय आपका नहीं लिया है। तो जल्दी दोस्तों के नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।